विधान सभा के गठन के लिए मीटिंग होती थी, तब जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में इतिहास नहीं था, उन लोगों ने यह विचार रखा कि जमींदारों को ही हक वोट देने का मिलना चाहिए। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। फिर लोगों ने कहा कि खैर जमींदारों को नहीं तो कम से कम जो ग्रेजुएट पास होगा उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। फिर जब वो बात भी नहीं चली तब लोगों ने कहा कि कम से कम मैट्रिक जो पास होगा उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कैसी सोची समझी राजनीति के तहत एक बड़े वर्ग को अपने अधिकार से महरूम किया जा रहा था। धन्य है वो बाबा अंबेडकर जिसने कहा कि नहीं, चाहे हल चलाने वाला हो, मछुआरा हो, रिक्शा चलाने वाला हो, खेती करने वाला हो, या बाबू हो, भैया हो, जमींदार हो, उसका वोट का अधिकार एक ही होगा, सबका बराबर का। और आज जब वोट का अधिकार आपको मिला तो पहले तो लोग कहते थे भाई बाबू भैया लोग कि तू काहे के लिए जो है वोट गिराने के लिए। लोग वोट गिराने नहीं जाते थे और वोट गिराने का साहस करते थे तो फिर प्रताड़ित होना पड़ता था, अत्याचार उनका सहना पड़ता था। मगर अब वो दौर नहीं है। कर्पूरी जी ने जगाया उस अलग को, लालू जी और नीतीश जी ने बढ़ाया।